नमस्ते दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जितने भी बिहार के मेरे सब्सक्राइबर हैं, एक बड़ी खुशखबरी है, कुछ लोग बीएड भी कर रहे हैं अभी, उनके लिए ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है। जो लोग बीएड कर रहे हैं अब उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ है। देखिए, टोटल 55 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, बहुत शानदार वैकेंसी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा चयन की तरफ से नोटिफिकेशन निकला है, टोटल 55 पोस्ट के लिए निकला है। अनारक्षित वर्ग के लिए 27 है, अनुसूचित के लिए 8 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 6 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पोस्ट है और पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है, पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए भी 2 पोस्ट है। टोटल आपके 55 पोस्ट है। एक अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। बाकी का जो आपका वेतन वगैरह होगा, 9 लेवल ग्रेड पे किया जाएगा, यहाँ पढ़ सकते हैं। और इसमें देखो, बेसिक क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा, अदर चीज़ क्या है इसके साथ। देखो यहाँ पे लिखा, हूँ हैव नॉट लेस देन 18 मंथ एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइंग शेड्यूल सी। 18 मंथ में आपको 18 मंथ का फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक्सपीरियंस चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और यह रहा इंफॉर्मेशन, बाकी का आप इससे पढ़ लेना। मैं एक जो मेन पॉइंट है, मेन इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 55, और आपका जो ग्रेड पे लेवल होगा 9 लेवल का होगा, क्वालिफिकेशन बी फार्मा, 18 मंथ आपको मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसके नीचे जो भी इंस्ट्रक्शन है पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे पेपर जो है इसके होंगे टोटल 4 पेपर, यहाँ पे लिखा है प्रथम पत्र में आपके होंगे इकाई यूनिट 1 में फार्मास्यूटिकल, जो 50 अंक के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। सेकंड में होगा आपका फार्मास्यूटिकल विश्लेषण, मतलब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बाकी का जो द्वितीय पेपर होगा आपका, इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी होगा। थर्ड पेपर में आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन होगा और फार्माकोलॉजी होगा। जो फोर्थ पेपर होगा इसमें आपका फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड माइक्रोबायोलॉजी होंगे और इंटरव्यू भी होगा। और इसको ऑनलाइन करने के लिए www.bpscbiharnic.in पर सब कुछ अवेलेबल है, कैसे भरना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। भरपूर टाइम है, 1 महीने का टाइम है, तो आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का कुछ जैसे कि जो है क्लियर होने के बाद आपको जो जाति आय निवास जो दस्तावेज है सब क्लियर करके रखना, जब क्लियर होता है चीज़ें, ठीक है। बाकी का इसको आप लोग पढ़ लेना, 1 महीने का टोटल टाइम है। यहाँ पे देखो आपका जो समय है टोटल 1 महीने का है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। बाकी का इंटरव्यू भी होगा आप लोग का। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25/11/2022 और इसका लास्ट डेट होगा 16/12/2022 को, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी का कोई भी और चीज़ क्वेरी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है बिहार फार्मासिस्ट के लिए, बिहार के स्टूडेंट के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।